नमस्कार, मैं हूं अमित और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मीडियाटेक ने हाल ही अपने बजट सेगमेंट में एक चिपसेट लॉन्च किया है, जो कि है मीडियाटेक का हीलियो P22, जो कि हमने देखा है रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुए रेडमी 6 और रेडमी 6A में। यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो P22 चिपसेट मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे लेके आया है वीवो का Y83, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। इस फोन में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P22 का चिपसेट, और इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं स्नैपड्रैगन के 450 से। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग आपको ये मिलेगा 10,000 रुपये के आसपास की प्राइस में, लेकिन ओप्पो, वीवो या फिर सैमसंग जैसी कंपनियां इससे महंगे फ़ोन भी लॉन्च कर सकती हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, वीवो का Y83 आपको मिलता है 15,000 रुपये की प्राइस में, और यहाँ पर भी आपको यही चिपसेट देखने को मिलता है। हालांकि इस चिपसेट में आपको कुछ ड्रॉबैक भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सपोर्ट करता है सिर्फ 720 पिक्सल्स की डिस्प्ले, इससे ऊपर के रेजोल्यूशन को ही सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पीड की, हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वो नो डाउट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये काम करता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा ही होगा और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसीलिए आज हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्नैपड्रैगन के 450 के साथ में, मी सैमसंग के A6 प्लस के साथ में, जहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट, और वीवो के Y83, जहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P22। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो Y83 और सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस को। बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्नैपड्रैगन के 450 का मीडियाटेक के हीलियो P22 से। तो चलिए इस इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये दोनों ही फोन अवेलेबल हैं 4GB रैम वेरिएंट के साथ में। चिपसेट हमने आपको बताया वीवो के Y83 में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P22 चिपसेट, जबकि सैमसंग A6 प्लस में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट। प्राइस पे मत जाना, प्राइस दोनों की बहुत अलग है। ये है 15,000 रुपये का फ़ोन और ये है 26,000 रुपये का फ़ोन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सैमसंग, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियाँ 10,000-15,000 वाले प्रोसेसर को 26,000 वाले फ़ोन में भी दे रही हैं, तो उसका कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि हम जान सकें मीडियाटेक हीलियो P22 कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 450 कैसा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं दोनों ही फ़ोन को बूट और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन बूटिंग टाइम में फास्ट होता है। तो बूटिंग टाइम में तो विनर हो गया है वीवो का Y83। चलिए चलते हैं अब स्पीड टेस्ट के फर्स्ट राउंड की तरफ, जहां पे दोनों ही फोन्स में एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे सेम टाइम पर। तो ये था फर्स्ट राउंड, जहां पे आपने देखा स्नैपड्रैगन 450 ज़्यादा फास्ट था मीडियाटेक के हीलियो P22 से। सिर्फ एक एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई वीवो के Y83 में। चलिए चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ, और वहां पे देखते हैं कि क्या हमें नई रेफरेंस देखने को मिलता है या फिर फास्ट होता है मीडियाटेक का हीलियो P22। तो चलिए इस राउंड को करते हैं स्टार्ट। We'll be right back.
तो ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन का सेकंड राउंड, और यहाँ पे भी विनर होता है स्नैपड्रैगन का 450 मीन सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हमको देखने को मिला, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीड की बात करें चाहे फर्स्ट राउंड की चाहे सेकंड राउंड की, तो बहुत ही मामूली सा डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की, तो दोनों ही फोन्स में रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, मतलब सारी ही एप्लीकेशन ओपन थी, तो नो डाउट परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा हेलियो P22 का भी। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन के 450 से, तो वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस हमको अभी भी देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन के 450 में। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो नो डाउट 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी काम करता है, तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा होगा। और हम वीवो Y83 का बैटरी ड्रेन टेस्ट भी कर चुके हैं, वहाँ पे लगभग 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था हमें वीवो Y83 का। तो नो डाउट बैटरी बैकअप को अच्छा देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर ये चिपसेट हमें देखने को मिलता है 8, 9, 10, 11, 12 हज़ार रुपये की प्राइस में, वहाँ तक ही 15 हज़ार रुपये की प्राइस में थोड़ा सा महंगा चिपसेट हो जाता है, 15 हज़ार रुपये की प्राइस में हमें अभी स्नैपड्रैगन 636 या फिर हम कह सकते हैं मीडियाटेक का हीलियो P60 भी आपको अब तो कम प्राइस में ही देखने को मिल जाता है, तो उस हिसाब से महंगा है। लेकिन कम प्राइस में ही चिपसेट मिलता है, तो नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, और ये अच्छा चिपसेट इस प्राइस में कहा जा सकता है। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है कोई सवाल या सुझाव, तो नीचे आपको मेरे सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।